वेलकम टू माई चैनल। और इस लेक्चर में हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो वो एक तरह से ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू कर दिया, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में वो एस्टेब्लिश हुई। और इसमें जो इवेंट्स हैं, उन्होंने जो इवेंट्स रहे हैं, जैसे किस तरीके से उन्होंने कौन सा बैटल किसके साथ किया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कौन सी ट्रीटी करी, ऐसा नहीं था कि जो इंडिया में कोई रूलर नहीं था, कोई मजबूत अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि यूनिटी नहीं थी। क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ 1707 में हुई थी, तो उसके बाद से क्या हुआ था कि जितने भी छोटी छोटी पावर थे और जितने भी नवाब थे या और भी कॉन्फेडरेसी थी, वो अपनी अपनी अपने आप को इंडिपेंडेंट करके बैठ गए, ठीक है। और एक तरीके से इंटरनली उनमें पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, और इसी पावर स्ट्रगल का जो फ़ायदा था वो ब्रिटिश लोगों ने उठाया। यूरोप से भी बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पोर्तगाल से आए थे, स्पेन से आए थे, इनके बीच में भी एक तरीके से यूनिटी नहीं थी और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। और इन्हीं में सबसे जो मजबूत ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर उभर के आई वो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद मराठा एक मजबूत राज्य के रूप में उभरे, और छत्रपति शिवाजी के बाद, संभाजी महाराज के बाद, और मराठाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल पोजीशन थी वो थी पेशवा की। बाद में इसी पोजीशन को लेके मराठाओं में इंटरनल डिस्प्यूट होने लगा। 1775 में पेशवा पद को लेके माधव राव और उनके अंकल रघुनाथ राव में डिस्प्यूट था। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो बॉम्बे में थी, उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि की रघुनाथ राव से 1775 में। और रघुनाथ राव ने ये प्रोमिस किया कि वो बसिन और सलसेट को ब्रिटिश को दे देंगे, जो कि उन्होंने अपने ये प्रोमिस नहीं किया। तो ब्रिटिश को जब लगा कि उन्होंने प्रोमिस नहीं किया, तो ब्रिटिश उनको पकड़ने के लिए आ गए। इससे जो एक्शन था बॉम्बे गवर्नमेंट का, वो वॉरन हेस्टिंग ने सपोर्ट नहीं किया। और 1776 में वॉरेन हेस्टिंग ने कॉलोनल उपटन को भेजा इसी इशू के लिए। अब उपटन ने जाके क्या किया, ट्रीटी ऑफ सूरत को तो कैंसिल कर दिया, एक नई ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, नाना फडणवीस के साथ, जो मराठाओं के एक दूसरे लीडर थे। इस संधि के तहत माधव राव दित्ते को नया पेशवा बनाया गया, और ब्रिटिश ने सलसीट को लेना चाहा बहुत ही सारी युद्ध के वार इंडिमनिटी के साथ। अब जब यही खबर मराठाओं को पता चली कि इस तरीके को संधि हुई है और उन पे एक तरीके से हर्जाना भी लगाया, युद्ध का हर्जाना भी लगाया है, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने इस संधि को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि वॉरेन हेस्टिंग ने भी इस संधि को स्क्रैप ऑफ पेपर बताया कि ये तो कागज़ का टुकड़ा है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और मराठाओं के खिलाफ सेंक्शन लगा दिए। इसी बीच में मराठाओं ने बॉम्बे गवर्नमेंट की जो ब्रिटिश फोर्स भेजी गई थी उनको हराने के लिए, उसको हरा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग ने इस मुद्दे को अपने अंदर लिया और 1781 में ब्रिटिश ट्रूप्स को कैप्टन पोपम के अंडर भेज दिया। उन्होंने मराठाओं के चीफ हुआ कर थे महादेव सिंधिया, उनको छोटी छोटी बैटल में हराया और ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। क्योंकि जो ग्वालियर हुआ करता था वो सिंधियाओं के अंडर हुआ करता था, जो कि मराठाओं के वन ऑफ द मिनिस्टर्स थे। बाद में 1782 में ट्रीटी ऑफ सलभाई को साइन किया गया वॉरेन हेस्टिंग और महादेव सिंधिया के बीच में। इस संधि के तहत सलसीट और बसिन को ब्रिटिश को दिया गया और रघुनाथ राव को पेंशन पे भेज दिया, और माधवराव सिंधिया को नया पेशवा घोषित किया गया, माधवराव सिंधिया दित्ते को, क्योंकि ये एक वीक रूलर थे और एक इसी तरीके का उनको पपट टाइप चाहिए था जो उनके राजनीतिक मुद्दों में दखल ना दे, ठीक है ना, और जिसके तहत जो मराठा थे वो एक तरीके से सेंट्रलाइज ना हो सकें, ठीक है। जो ये ट्रीटी ऑफ सलभाई थी, इसने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों, पहली बात, जो मराठा थे वो मुगल एम्पायर के बाद सबसे मजबूत थे, और मराठा ही एम्पायर को ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। इसके अंतर्गत, इसके तहत ब्रिटिश जो थे
वो लगभग 20 साल तक उन्होंने मराठाओं के साथ शांति समझौते में रही। लगभग 20 साल तक मराठाओं ने या ब्रिटिश का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिश को एक तरीके से टेंशन नहीं रही कि जो इंडिया का सबसे मजबूत राज्य है और मुगल्स के बाद उनको तंग कर रहा है। साथ ही साथ अब ब्रिटिश जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसको बढ़ाता गया। अब उसको जो उसकी जो मेजर एम था वो साउथ था, मैसूर। अब मैसूर में हैदर अली थे, तो उनको हराने के लिए उन्होंने मराठाओं का साथ लिया, क्योंकि उन्होंने संधि करी हुई थी। तो यानी कि एक तरफ ब्रिटिश ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को भी बढ़ाया, अपने जो इंडियन अपोजिशन थी, इंडियन पावर्स को, उनको हराया, और इंडियन पावर्स की ही मदद से। तो यानी कि एक तरीके का जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने बैलेंस करना सीख लिया था, अपोजिशन को साथ मतलब हराने का और यहीं के मतलब लोगों को साथ लेके चलने का, ठीक है ना। तो ये एक ब्रिटिश की पॉलिसी हुआ करती थी कि ट्रीटी करो, संधि करो, युद्ध करो, फिर संधि करो, फिर युद्ध करो, एक ना एक दिन तो आप युद्ध में उनको हरा ही दोगे। तो ये थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। वारन हेस्टिंग का जो अगला इम्पोर्टेंट रोल था वो था सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे लेक्चर को, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टाटा बाय बाय।